पाकिस्तान की बर्बादी की अब इंतहा होने वाली है। पाकिस्तान में कंगाली के कारण जनता तो खामियाजा भुगत ही रही है, लेकिन अब साथ ही साथ फौज की हालत भी पस्त हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में हर साल होने वाले सैन्य ट्रेनिंग पर भी अब रोक लगा दी गई है। अपने रक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला पाकिस्तान भी अब अपनी सेना की हालत को देख कर रो रहा है। अब तक देश की जनता का पेट काटकर संसाधनों को पूरा करने वाली पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अब सेना को भी निगल रही है। आईएमएफ से जारी संघर्ष के बीच जब पाकिस्तान सबसे बड़े कर्जदाताओं की लिस्ट में शामिल हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि ईंधन की कमी के चलते इस साल की मिलिट्री ट्रेनिंग संभव ही नहीं है। बताइए, ट्रेनिंग नहीं होगी मतलब इस साल नो भर्ती। एक तरफ जागरीपथ स्कीम के तहत भारत माता की रक्षा के लिए अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जोरों पर है, वहीं इसके उलट गरीबी के चलते पाकिस्तान में कोई भर्ती ही नहीं होगी। नए निर्देशों के मुताबिक इस साल दिसंबर तक हर तरह की सैन्य ट्रेनिंग पर पाबंदी रहेगी। इसके पीछे की वजह बताई गई कि फौज के पास फ्यूल या लुब्रिकेंट की कमी है। पाकिस्तान में जनता तो ईंधन की कमी के चलते महंगा तेल खरीदने को मजबूर है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के पास भी तेल रिजर्व करके रखने के लिए पैसे ही नहीं है। सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए साल भर में जितना फ्यूल इकट्ठा करके रखना होता है उसे ट्रेनिंग रिजर्व फ्यूल कहते हैं। पाकिस्तान इस ट्रेनिंग रिजर्व के लिए रखे गए ईंधन को जाया नहीं करना चाहता, इस कारण दिसंबर तक सभी सैन्य अभ्यासों पर रोक लगाने का फरमान जारी किया गया है। बता दें, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद IMF से मिल रही कर्ज की किश्तों के बाद भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही, लिहाजा पाकिस्तानी फौज इस साल की ट्रेनिंग के सीजन में कोई ट्रेनिंग नहीं करेगी। किसी भी सैन्य ट्रेनिंग में सैनिकों और पूरे लॉजिस्टिक को ट्रेनिंग एरिया तक पहुँचाना और ट्रेनिंग के दौरान बड़ी मात्रा में ईंधन खर्च होता है। अब उस खर्च को बचाने के लिए पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा है कि वो विदेशों से कच्चा तेल लाकर उन जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे में पाकिस्तान की फौज की हालत अब बद से बदतर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।